आनंद एक किसान है जिसके पास एक गाय और एक बैल है और उन गाय और बैल का एक छोटा सा बच्चा है। आनंद बहुत ही अच्छा इंसान है। वो कभी भी अपनी गाय के दूध का व्यापार नहीं करता था। जो भी खेती करके कमाता था उसी में खुश रहता था। एक दिन आनंद के बैल की तबीयत खराब होने की वजह से आनंद उसे शहर के एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है। राजू भाई, मेरे घर के और देखते रहना, मैं अपने बैल को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, लौटने में समय लग सकता है। तुम चिंता मत करो आनंद, मैं देखता रहूंगा तुम्हारे घर की ओर। ये कहते हुए राजू अपने रास्ते चला जाता है और आनंद अपने रास्ता चला जाता है। कुछ देर बाद तेज हवाएं चलने लगती है, उसके बाद उस गांव की धरती हिलने लगती है। शायद वो कोई भूकंप था। इस बात का अंदाजा होते ही सब लोग अपने अपने घर छोड़कर सड़क पर आ जाते हैं। तभी राजू को आनंद की गाय का ख्याल आता है। रानी, तुम यहीं रुको, मैं जाकर आनंद के जानवरों की मदद करके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है किसी और के पालतू जानवरों की वजह से तुम अपनी जान खतरे में नहीं डालोगे। ये कहते हुए राजू की पत्नी उसे वहाँ रोक लेती है। आनंद जाते वक्त अपनी गाय और उसके बच्चे को तबेले में बंद करके गया था, इसलिए वो भूकंप आने पर भी उस तबेले से बाहर नहीं निकल पाती है। सारे तबेले की छत उस गाय पर गिर जाती है। गाय अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद के बारे में भूल ही जाती है। भूकंप बंद होने के बाद घायल गाय अपने आप बाहर निकल कर आती है। तभी तेज हवाओं के साथ बहुत बड़ा तूफान आता है। गाय के पास ना तो छुपने के लिए जगह थी और ना ही उसकी मदद करने के लिए कोई इंसान था। सब बारिश और बड़े तूफान के डर से अपने अपने घरों में थे। पता नहीं वो गाय और उसके बच्चे ठीक होंगे या नहीं। आज मौसम भी बड़े अजीब तरीके से खराब हो रहा है। तुम्हें किसी और की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं और अपने बच्चे जिंदा है, उनके बारे में सोचो। इतने बड़े गांव में एक गाय की मदद करने के लिए कोई भी नहीं थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लगी है। थोड़ा सा सबर कर लो बेटा, आगे उस बड़ी से पेड़ के नीचे जाकर ठहर जाते हैं। ये कहते हुए वो गाय अपने बच्चे के साथ जाकर एक पेड़ के नीचे ठहर जाती है। वो राजू, उसकी पत्नी और बाकी गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़कियों से देख रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आते थे। कुछ देर बाद तेज हवाओं की वजह से वो पेड़ भी टूटने लगता है, इसलिए उस गाय को वहाँ से भी भागना पड़ता है। तभी अपनी गाय के लिए परेशान हो रहा आनंद तूफान का सामना करते हुए अपने बैल के साथ गांव आता है और अपनी गाय और उसके बच्चे को लेकर एक सुरक्षित जगह पर जाता है। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी गाय, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन तुमने अपने छोटे बच्चे को संभालते हुए काफी मुश्किलों का सामना किया है। ये कहते हुए तूफान खत्म होने के बाद आनंद अपनी गाय और बैल के लिए भी उसका घर जितना मजबूत है उतना ही मजबूत तबेले बनाकर देता है। तभी वहाँ पर राजू आता है। मुझे माफ कर दो आनंद, मैं तुमसे वादा तो किया था लेकिन उसे निभा नहीं पाया। मैं समझ सकता हूँ राजू भाई, ऐसी हालतों में सबको पहले अपनी सुरक्षा का ही ख्याल आता है। भला ही मेरे गाय की मदद किसी ने नहीं किया है, लेकिन वो और उसका बच्चा सही सलामत है। पिताजी, आपको पता है आज हमने कितने सारे एडवेंचर्स किए हैं? हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, लेकिन घास खाते हुए।
हैं मंगल सिंह और अमंगल सिंह। ये दोनों ऐसे जाने माने चोर हैं, जो सिर्फ अपने नाम के लिए चोरी करते हैं। जैसे कि अगर मंगल ने पिरामिड चोरी किया है तो अमंगल आईफिल टावर चोरी करेगा। वैसे तो ये दोनों भाई हैं, लेकिन हमेशा चोरी करने के बारे में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं, और दोनों भाइयों में बिल्कुल भी नहीं बनती है। इसलिए पुलिस वालों ने उन दोनों भाइयों को जेल के एक ही सेल में बंद किया है। भाई, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरे साथ इस जेल में रहना किसी सजा की कमी नहीं है, और मेरे लिए भी। इसीलिए हम यहाँ से निकलने की कोई प्लान बनाना होगा। पहले बार तुमने कोई दंग की बात की है भाई। मैं किसी को जानता हूँ जो यहाँ से निकलने में हमारी मदद कर सकता है। जेल के अंदर बहुत घास का मैदान है। वहाँ पर हर रोज जुमुर नाम का एक व्यक्ति अपनी गायें चराने के लिए आता है, और बदले में हर रोज वहाँ के इंस्पेक्टर को थोड़ा सा दूध मुफ्त में देता है। ऐसा इंस्पेक्टर को लगता है, लेकिन जुमुर का असली काम छुपके से जेल के खैदियों को बाहर की चीजें लाकर देना और जेल की चीजें ले जाकर बाहर देने वाले काम करता है। अमंगल इसी आदमी की बात कर रहा था। जुमुर, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है इस जेल से बाहर निकलने के लिए। आखिरकार इस जेल के राजा और महाराजा को मेरी जरूरत पड़ ही गई। मैं सिर्फ सामान लाता और ले जाता हूँ, मुझे ये नौटंकी नहीं होगी। इस बार मैं बाहर जाकर बुर्ज खलीफा चुराने वाला हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो आधा खलीफा तुम्हारा होगा। उसके बाद तुम ऐसी लाखों गायों खरीद सकते हो। जुमुर इनाम के बारे में सोचकर खुश होकर उन्हें जेल से बाहर निकलने के लिए मान जाता है, और अगले दिन सुबह चुपके से उन्हें एक गाय का कॉस्ट्यूम लाकर देता है। मंगल और अमंगल दोनों उस कॉस्ट्यूम में घुसकर जुमुर की गायों में मिलकर जेल से भाग जाते हैं। बाहर जाने के बाद उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए दोनों भाई मिलकर जुमुर की गायें बेचकर पैसे आपस में बांटकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये बात जुमुर को पता चलने के बाद, चोर कमीनो कही के भला ही मुझे जेल भी जाना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए जुमुर इंस्पेक्टर के पास जाकर सारी बात बताता है, और एक झूठ कहता है कि दोनों भाई इंस्पेक्टर के ही घर में चोरी करने की कोशिश करने वाले हैं। मंगल और अमंगल, तुम्हें मैं दुनिया के किसी भी कोने में छुपने पर भी पकड़ निकालूंगा। ये कहते हुए इंस्पेक्टर सच में मंगल और अमंगल दोनों को पकड़ कर लाकर उनकी सजा बढ़ाकर फिर से उसी सेल में डाल देता है। उस सेल में उनका पुराना दोस्त जुमुर भी था। तुम दोनों बदमाश मेरे ही घर को लूटने चले थे, अब सड़ो इस जेल की सेल में। अब मैं इस जेल को ऐसा बनाऊंगा कि यहाँ से मेरी मर्जी के खिलाफ चीटी भी नहीं जा पाएगी। ये कहकर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। दोनों भाई ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि इंस्पेक्टर से ऐसा किसने कहा था कि वो उनके घर को लूटने वाले हैं। इतना जोर मत डालो अपने छोटे से दिमागों पर। मैं ही इंस्पेक्टर साहब से झूठ कहा था ताकि वो तुम्हें पकड़ने में कोई देरी ना करे। ये मेरी गायों की बेचने की सजा है। इस नमूने से मदद लेने का आइडिया तेरा ही था ना कमीने, और उन गायों को बेचना का आइडिया तो तेरा था ना। अच्छा, तो ये तुम्हारा प्लान था। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें।
ऐसे चूहे बिल्लियों की तरह हमेशा उस सेल में लड़ते ही रहते हैं तीनों।